Welcome to our English class. Today we are going to learn our notebook exercise, the story of the road. First exercise is new words. First one is early, E-A-R-L-Y, early. Early means jaldi. Number two, A-S-L-E-E-P, asleep. Asleep means soya hua, neend mein. Number three, Q-U-I-E-T, quiet. Quiet means shant. Next, S-O-F-T-L-Y, softly, softly means gently, shanti se. Number five, wake up, W-A-K-U-P, wake up means utho. And number six, A-W-A-K-E, awake, awake means jaga hua, utha hua. Then our next exercise is answer the following questions. Our first question is, what sounds do you hear on the road in the morning? मॉर्निंग में सुबह सुबह आपको कौन से साउंड सुनाई दे रहे हैं रोड पे, वो आपको बताना है. सो आंसर इज वी हियर द बर्ड्स कॉलिंग चर्प चर्प एंड क्रोज सिंगिंग काउ काउ काउ. कौन सी आवाजें आती है तो बर्ड्स कैसे चर्प चर्प की आवाज करते हैं और क्रोज काउ काउ की आवाज करते हैं. नंबर टू, व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग. तो वेजिटेबल मैन है वो क्या बेच रहा है. So answer is the vegetable man is selling peas, cauliflowers, cabbages, potatoes, cucumbers, radishes and carrots. Vegetable man क्या बेच रहा है, क्या है उसके पास, तो peas, cauliflowers, cabbages, potatoes, cucumbers, radishes and carrots. Number three, why is the road annoyed with the crop? जो road है वो क्यों annoyed हो जाता है crop से. So the answer is the road is annoyed with the crow because he is asking the road to wake up when he is already awake. Crow है वो road को क्या बोल रहा है कि उठो उठो, पर road already उठा हुआ है, जागा हुआ है, तो वो road इसीलिए annoyed हो जाता है कि the road is annoyed with the crow because he is asking the road to wake up when he is already awake. Then our next exercise is correct the jumbled letters. यहाँ पे हमें जो letters दिए है वो जंबल रहे, इसको हमें correct करना है और correct word बनाना है. So first one is L A R E Y. So correct word is E A R L Y, early. Number two, W A K E A. Correct word is A W A K E, awake. Number three, U Q E I T. So correct answer is Q U I E T, quiet. Number four, L I S O H S O. So यहाँ पे correct word क्या है, F W L I S H, foolish. Then fill in the blanks. Blanks हमें दी है, ये complete करनी है blanks correct answer से. So first one is the story of the dash. किसकी स्टोरी है, तो रोड की स्टोरी है, तो द स्टोरी ऑफ द रोड. नंबर टू, द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली. यहाँ पे बर्ड के नीचे डैश आएगा. नंबर थ्री, द डैश इज अस्लीप. तो क्या आएगा, द रोड इज अस्लीप. नंबर फोर, एवरीथिंग इज डैश. क्या आएगा, एवरीथिंग इज व्हाइट. नंबर फाइव, द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग पीज एंड कैबेजीज. देन ट्रू और फॉल्स दिया है, राइट ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पे फर्स्ट वन है अर्ली मॉर्निंग द रोड इज अस्लीप, तो ट्रू, अर्ली मॉर्निंग होती है तब रोड सोया हुआ होता है, तो तब यहाँ ये सेंटेंस करेक्ट है, तब ट्रू आएगा. नंबर टू, क्रोस इज काउ काउ, तो ये भी नंबर क्रोस मतलब क्रो की आवाज क्या होती है, काउ काउ, तो ये भी सेंटेंस ट्रू है. नंबर थ्री, द स्टोरी ऑफ द बस, ये स्टोरी ऑफ द बस है ये हमारा लेसन, तो स्टोरी ऑफ द रोड है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स. नंबर फोर, द स्कूल चिल्ड्रन टॉक चैटर चैटर चैटर. तो स्कूल चिल्ड्रन है वो बातें करते तो कैसी आवाज आती, चैटर चैटर चैटर, तो ये सेंटेंस भी ट्रू है. नंबर फाइव, द एनिमल्स आर कॉलिंग सॉफ्टली, यहाँ पे बर्ड्स आता है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो फॉल्स लिखेंगे हम. देन है राइट अपोजिट्स, अपोजिट्स लिखने हमें. नंबर वन, फर्स्ट है हियर, हियर का अपोजिट होगा देयर. नंबर टू, डस्क, डस्क का ऑपोजिट है डाउन. नंबर थ्री, असलीप, असलीप का ऑपोजिट क्या होगा, अवेक. नंबर फोर, इजी, तो ऑपोजिट ऑफ इजी इज डिफिकल्ट. नंबर फाइव, फर्स्ट लास्ट. नंबर सिक्स, ब्लैक,
तो इसका ऑपोजिट क्या है वाइट. सो फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड हियर द नोटबुक एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश 1. यू हैव टू कॉपी डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश 1 नोटबुक. थैंक यू.